प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार और देश के अन्य राज्यों में हुए चुनावों पर बिल्कुल सिंपल शब्दों में एनालिसिस किया है। 15 साल सरकार चलाने के बाद भी बिहार में एनडीए पर आखिरकार जनता ने भरोसा क्यों जताया, इसका राज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खोला। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार की जीत असल में विकास की जीत है, उन पर जनता के विश्वास की जीत है। कोरोना काल में हुए देश के पहले चुनाव में विजय पर प्राइम मिनिस्टर ने अपने विश्लेषण के साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए अगला पॉलिटिकल टारगेट भी निर्धारित कर दिया है। चुनाव जीतने का एक ही रहस्य है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मंत्र की जीत हुई है। बिहार में विकास के कार्यों की जीत हुई है, बिहार में सच जीता है, बिहार में विश्वास जीता है, बिहार का युवा जीता है, बिहार की माताएं बहनें बेटियां जीती हैं, बिहार का गरीब जीता है, बिहार का किसान जीता है। ये बिहार के आकांक्षाओं की जीत है, ये बिहार के गौरव की जीत है। पंद्रह साल की एंटी इनकम्बेंसी, कोविड 19 महामारी का प्रकोप, एनडीए गठबंधन में फूट, बिहार चुनाव में बीजेपी के सामने कई चैलेंज थे, मगर मोदी है तो जीत की गारंटी है, मोदी है तो जनता को भरोसा है, मोदी है तो अलायंस पार्टनर का फायदा है, मोदी है तो विकास का विश्वास है। भाजपा ने, एनडीए ने देश के विकास को, लोगों के विकास को अपना सर्वोपरि लक्ष्य बनाया हुआ है, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, और हम सभी कार्यकर्ता उस संकल्प से बंधे हुए हैं। हम हर वो काम करेंगे जो देश को आगे ले जाए। कह जोरदार तालियों के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करें मित्रों, जोरदार तालियों के द्वारा नरेंद्र मोदी। बिहार की जनता ने नरेंद्र मोदी पर कितना विश्वास किया है, मोदी बैगरेट से एनडीए के विजय रथ को कैसे रफ्तार मिली है, उसे कुछ आंकड़ों से समझिए। बीजेपी 110 सीटों पर चुनाव लड़ी और पार्टी ने 74 सीटें जीत ली, यानी मोदी की पार्टी का स्ट्राइक रेट 67% रहा। 56 सीट पर बीजेपी और आरजेडी में डायरेक्ट फाइट हुई, बीजेपी ने इनमें से 37 सीट जीत ली, यानी आरजेडी के खिलाफ बीजेपी का स्ट्राइक रेट 66% रहा। कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी 33 सीट पर चुनाव लड़ी, इनमें 27 सीट पर बीजेपी जीती, यानी कांग्रेस के खिलाफ भी बीजेपी का सक्सेस रेट 83% रहा। बिहार असेंबली इलेक्शन में बीजेपी के इस सुपर स्ट्राइक रेट का ही नतीजा है कि करीब 2 दशक से बड़े भाई की भूमिका में रही जेडीयू अब गठबंधन की जूनियर पार्टनर है, और 15 साल राज करने वाले नीतीश कुमार फिर सीएम बनने के लिए बीजेपी के भरोसे है। अगर नीतीश जीते हैं तो उन्हें जिताया नरेंद्र मोदी ने है। मैं बिहार के अपने भाइयों और बहनों को से उनसे कहूंगा, आपने एक बार फिर सिद्ध किया है कि बिहार क्यों लोकतंत्र की जमीन कहा जाता है। आपने फिर सिद्ध किया है कि वाकई बिहारवासी पारखी भी है और जागरूक भी है। आत्मनिर्भर बिहार के जिस संकल्प के लिए आपने जो अपार प्यार दिया है, उससे भी मैं और हमारी पूरी टीम अभिभूत है। हम सभी भाजपा के कार्यकर्ता नीतीश जी के नेतृत्व में, एनडीए के कार्यकर्ता
हर बिहारवासी के साथ इस संकल्प को सिद्ध करने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। पॉलिटिकल पंडित हो या देसी विदेशी मीडिया, बिहार चुनाव को लेकर सब एक बात पर एकमत है, एनडीए की जीत के नायक नरेंद्र मोदी हैं। उन्होंने ही अपनी ऑलराउंड परफॉर्मेंस से बीजेपी और गठबंधन की सहयोगियों की जीत की पटकथा लिखी। मोदी ने ये इलेक्शन विक्ट्री दिलाने के लिए यूथ वोटर्स का विश्वास जीता, महिला मतदाताओं को साथ लिया, गांव गरीब को एनडीए से जोड़ा, व्यापारियों कारोबारियों को आरजेडी के जंगल राज का डर दिखाया, सबका साथ सबका विश्वास के वादे को दोहराया। मैं कल से टीवी पर देख रहा हूं, अखबारों में चर्चा है साइलेंट वोटर। अब उनकी गूंज सुनाने लगी है। बीजेपी के पास साइलेंट वोटर्स का एक ऐसा वर्ग है जो उसे बार बार वोट दे रहा है, निरंतर वोट दे रहा है। ये साइलेंट वोटर्स हैं देश की माताएं, बहनें, महिलाएं, देश की नारी शक्ति। ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी इलाकों तक महिला वोटर ही भाजपा की सबसे बड़ी साइलेंट वोटर का समूह बन गया है। बीजेपी आज बिहार में सबसे बड़ी पॉलिटिकल फोर्स बन चुकी है, तो उसके पीछे नरेंद्र मोदी का जादू ही है, जो युवाओं और महिलाओं, गरीबों और स्वर्णों यानी समाज के हर तबके के सिर चढ़कर बोलता है। और इसकी वजह मोदी का सॉलिड परफॉर्मेंस है, जो उन्होंने करीब 6.5 साल के अपने कार्यकाल में दिया है। जिस समय बिहार में चुनाव का ऐलान हुआ, उस समय देश कोविड-19 महामारी की चपेट में था। लॉकडाउन की वजह से बिहार लौटे लोगों में बेरोजगारी और बाढ़ के चलते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ गुस्सा था। इसी नाराजगी के चलते चिराग पासवान एनडीए से अलग हो चुके थे। चिराग के साथ साथ विपक्षी महागठबंधन के तेजस्वी यादव बिहार को नीतीश मुक्त बनाने का अभियान चला रहे थे। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार में एंट्री हुई। नरेंद्र मोदी ने नीतीश से नाराजगी को समझते हुए चुनाव का नया नैरेटिव गढ़ने की कोशिश शुरू कर दी। मोदी के साथ ही बिहार चुनाव में ऐसे मुद्दों की एंट्री हुई जिन्होंने हवा का रुख बदल दिया। बिहार में प्रचार के लिए 12 जिलों में रैलियां की। मोदी की इन जनसभाओं का 101 सीटों पर डायरेक्ट इफेक्ट दिखा। अपनी रैलियों से मोदी ने जिन 101 सीटों को टारगेट किया, उनमें से 59 सीट एनडीए ने जीती। नरेंद्र भाई मोदी जी का बंधन अभिनंदन और स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार चुनाव में एंट्री के साथ ही फ्रंट फुट पर खेलना शुरू किया था। उन्होंने अपनी रैलियों के सेकंड राउंड में बिहार चुनाव का सबसे फेमस नारा जंगल राज के युवराज दिया।